मथुरा के थाना कोसी कला पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में खुलासा करते हुए तीन हत्यारों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला और दो पुरुष शामिल है। घटना का खुलासा करते हुए प्रेस वार्ता के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर ने जानकारी देते हुए बताया कि मथुरा के थाना कोसी कला क्षेत्र स्थित कस्बा नाडुवास नकाशा मोहल्ले में क्षेत्र के ही रहने वाले आबिद का शव मिला था, जिसका मुकदमा थाना कोसी में दर्ज कराया गया और इसके खुलासे के लिए स्थानीय पुलिस को निर्देशित किया गया था, जिसमें पुलिस ने कार्यवाही करते हुए पड़ोस के ही रहने वाले तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया है कि आबिद पड़ोस के रहने वाले आस मोहम्मद की पत्नी को परेशान किया करता था और उस पर बुरी नजर रखता था। घटना वाले दिन भी आबिद बार बार आस मोहम्मद के घर पर खिड़की के सहारे झांकने की कोशिश कर रहा था, तब जाकर आस मोहम्मद और उसकी पत्नी ने उसे पकड़ने का प्लान बनाया और पकड़ने के बाद उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आस मोहम्मद ने अपने भाई आरिफ को भी वहां बुला लिया और तीनों लोग मिलकर आबिद के शव को रेलवे ट्रैक पर फेंकने के लिए ले जा रहे थे कि रास्ते में किसी अन्य व्यक्ति को देखकर तीनों लोग मृतक आबिद के शव को डर की वजह से छोड़कर भाग गए। सूचना के बाद पुलिस ने तीनों लोगों को गिरफ्तार कर कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया है। ये 21 तारीख को एक डेड बॉडी थाना कोसी क्षेत्र में मिली थी, जिसकी शिनाख्त मोहम्मद आबिद के रूप में हुई थी। मृतक की उम्र लगभग 23 वर्ष थी, जिसका शव उसके घर के बाहर नाले में ही पड़ा हुआ मिला था। इस संदर्भ में 302 का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जो कि अज्ञात में पंजीकृत किया गया था। घटना का अनावरण करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसके अंदर आस मोहम्मद की वाइफ शबाना और आस मोहम्मद का भाई आरिफ, ये तीनों लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिन्होंने अपने जुर्म का इकबाल किया है। घटना में जो चीज़ें निकल के आई हैं वो ये निकल के आई है कि जो मृतक है वो इस महिला को के प्रति गलत नियत रखता था, इस कारण से दोनों परिवार के बीच में कशीदगी थी। इस तरह की सूचना इनके द्वारा स्थानीय पुलिस या कहीं पर नहीं दी गई थी, क्योंकि आसपास का ही मैटर था। घटना वाली रात में जो इन्होंने अपने कन्फेशन में बताया कि मृतक फिर जो है अभियुक्त के घर पर आया था, वहाँ पर जो ये महिला है और उसके पति ने इसका पहले सिर दीवार पे मारा और वहाँ पे जो गाड़ी खड़ी थी मैक्स उस पर मार के इसकी हत्या कर दी। जो आरिफ इनका भाई है, बिल्कुल पड़ोस में रहता है, वो भी साथ में आ गया था। प्लान इन लोगों का ये था कि इसके बाद में डेड बॉडी को वहाँ पर रेलवे ट्रैक जो बगल का है उसके ऊपर डाल देंगे, ताकि इसको एक एक्सीडेंट का स्वरूप दे पाएँ। लेकिन क्योंकि आसपास मोहल्ले में जाग हो गई तो ये इस चीज़ में सफल नहीं हो पाए और डेड बॉडी को वहीं छोड़ के भाग गए। जब हम लोगों ने इस चीज़ की विवेचना चालू करी तो ये तथ्य प्रकाश में आए। इस आधार के ऊपर इनसे पूछताछ की गई, पूछताछ में इन्होंने अपने जुर्म का इकबाल किया है और इसके अंदर विधिक कार्रवाई की जा रही है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।